दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में, एक बहुत बड़े अपडेट को लेके। दोस्तों क्या आपने अप्लाई कर दिया है? बीसी सखी बहनों को समस्याएं कहां आ रही हैं? ग्राम पंचायत सहायक या जन सेवा केंद्र संचालक को समस्या किस बात की आ रही है, इस चीज़ को मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा निवेशकों को 10,000 रुपये से ज़्यादा पैसा कब मिलेगा? आखिर बात तो आ गई है कि आप 10,000 रुपये तक के पैसे के लिए आवेदन अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन जिनके पैसे 30,000, 40,000, 50,000 या 1,00,000 रुपये हैं, तो वो पैसे कब मिलेंगे? होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने क्या जानकारी दी है, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री और होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बार फिर सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में उनकी पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। सरकार ने जमाकर्ताओं को सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों में फंसे अपने पैसे का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए पिछले महीने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज CRCS को 5,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की अनुमति देने के बाद यह पोर्टल लॉन्च किया गया था। सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को 10,000 रुपये की पहली किस्त मिलनी शुरू हो गई है। शुक्रवार को अमित शाह ने दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए से सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के डिपॉजिटर्स को क्लेम अमाउंट ट्रांसफर की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 112 लाभार्थियों को 10,000 रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी गई है। अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर 18,00,000 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। दोस्तों सभी बीसी सखी बहनों और पंचायत सहायक जन सेवा केंद्र संचालकों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर लोगों का आवेदन कर चुके हैं। इनमें से 14,00,000 जमाकर्ताओं के आवेदन पहले से ही मान्य किए जा चुके हैं। दोस्तों कब तक मिलेगा 10,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट? जुलाई में इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। जिन निवेशकों का पैसा सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में फंस गया है, वे इस पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी केवल 10,000 रुपये तक की किस्त भेजी जा रही है, बाद में यानी कि जल्द ही दूसरी किस्त या फिर पूरा अमाउंट देने का ऐलान हो सकता है। होम मिनिस्टर ने कहा कि निकट भविष्य में पूरी राशि वापस करने के हकदार और सफलता हम प्राप्त करेंगे। जमाकर्ताओं को क्या करना चाहिए, अब इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चल जाए। संबंधित बीसी सखी पंचायत सहायक या जनसेवा के संचालक इस में काफ़ी अच्छी रोल या भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं नाम कमा रहे हैं इन सभी कामों में जिनकी आप मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। भले आप 20, 30, 50 रुपये, 100 रुपये लेके आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उनका मरा हुआ पैसा उनको मिल जा रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। दोस्तों जमाकर्ताओं को क्या करना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। सहारा समूह के सभी जमाकर्ताओं के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना और रिफंड के लिए पात्र होने के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में 23,000 करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार उम्मीद कर रही है कि डिपॉजिटर्स जमाकर्ताओं को मौजूदा 5,000 करोड़ रुपये दिए जाने के बाद सहारा रिफंड अमाउंट में अधिक राशि ट्रांसफर करेगी। तो दोस्तों सभी बीसी सखी बहनें, पंचायत सहायक और जन सेवा केंद्र संचालक इस बात का प्रचार प्रसार करें कि संबंधित के खिलाफ जिनका पैसा ज़्यादा है वो लोग धैर्य रखें और जल्द ही आपके पूरे पैसे भी सरकार दे सकती है। निवेदन करता हूँ, अगर जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।